ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 19 अगस्त शनिवार के दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन है, और आज के इस वीडियो में हम आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है, जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए करना है। मात्र काले तिल और शहद से आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला है, आपको मात्र 7, 5 और 3 वाला ये चमत्कारी उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, यदि आपके किसी भी प्रकार के कार्य अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये तीसरा महा उपाय करना है, मात्र काले तिल और काली मिर्च से। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक बना रहता है तो यह उपाय आपको करना है। सुख संपदा और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 चम्मच शहद लेना है, इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है। काले तिल आप 11 या फिर 21 भी ले सकते हैं, या फिर 1 चुटकी काले तिल भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप सबसे पहले आपको आपके पास जो 1 चम्मच शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, फिर उसी हाथ में आपको आपके पास जो 1 चुटकी या फिर 11 या फिर 21 काले तिल जितने भी आपने लिए हैं, उन्हें भी आपको जो आपने अपने सीधे हाथ में शहद लिया है उसी हाथ में ये काले तिल भी आपको रख लेना है। अब दोस्तों, शहद से युक्त यह जो काले तिल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यानी कि अपने सीधे हाथ से इन काले तिल का आपको शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, आपको श्री इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है, और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, शहद जो है सुख समृद्धि बढ़ाता है और हमारे दुर्भाग्य को दूर करता है, और काले तिल जो है हमारे जीवन से कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल शनि देव को भी प्रसन्न करते हैं, तो आपको इस प्रकार से काले तिल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अंत में आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए समर्पित कर देना है। आपके जीवन की परेशानियां है वह सभी समाप्त हो, ऐसी आपको कामना करनी है, और यह जल भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, यदि यह उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं निश्चित रूप से दूर जरूर होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में, जो कि आपकी हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। देखिए, यदि आपके घर में धन से जुड़ी परेशानी है, बच्चों को लेकर आपकी परेशानी है, व्यापार से जुड़ी यदि आपकी कोई परेशानी है, या फिर यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे आपके बच्चों विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान संबंधित कोई बड़ी परेशानी है, तो आपको यह विशेष उपाय इस शनिवार के दिन अवश्य करना है। देखिए, यह उपाय 7, 5 और 3 वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय होने वाला है। तो इस उपाय के लिए 7 आपको लौंग लेना है, यानी कि 7 लौंग आपको लेना है, और 5 आपको काली मिर्च लेना है, और 3 आपको काले तिल लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और इसी के साथ आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, आपको ये बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है, 7, 5 और 3 वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो थोड़ा सा शहद है उसमें आपको 7 लौंग, 5 काली मिर्च और 3 काले तिल, यानी कि ये तीनों सामग्री डाल देनी है। उस शहद के अंदर आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, यानी कि इस शहद के अंदर आपको ये तीनों सामग्री डाल देनी है,
और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां है, वो सभी दूर हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सामग्रियों को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। देखिए शहद जो है हमारे दुर्भाग्य को दूर करके सुख समृद्धि बढ़ाता है। लौंग जो है हमारे जीवन से जितने भी कष्ट है उन्हें दूर करता है। काली मिर्ची जो है वो काल सर्प दोष को दूर करने का कार्य करती है। और काले तिल जो है वो पितृ दोष को दूर करते हैं। साथ ही साथ काले तिल भगवान शिव और शनि देव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इन तीनों सामग्रियों को एक साथ आपको अपने सीधे हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप यह तीनों सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। और आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अंत में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक काली मिर्च का दाना लेना है, के साथ आपको सात काले तिल के दाने लेना है। दोस्तों काली मिर्च और काले तिल को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटे फीट या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपके पास जो एक काली मिर्च है और सात काले तिल के दाने हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और महादेव से आपको अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार आप अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं। तो उन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, अगर किसी के ऊपर नजर का दोष है, ऊपरी हवा का उसके ऊपर बहुत अधिक प्रकोप है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। और ये सात काले तिल और एक काली मिर्च का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। काले तिल और काली मिर्च को समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन के इसकी तृतीया तिथि पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो इससे हमारे जीवन के जितने भी दुर्भाग्य हैं, वह सभी दूर होने लगते हैं और साथ ही साथ जीवन के समस्त संकट, कष्ट और बाधाएं सभी दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको तीन महा उपाय बताए हैं जो कि आपको शनिवार की इस हरियाली तीस पर ही करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।